इंदौर पुलिस ने माफिया जीतू सोनी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब तक कोई भी ठोस जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। इंदौर पूर्वी क्षेत्र में जीतू सोनी पर लगभग हर थाना क्षेत्र में अलग अलग मामले दर्ज है, लेकिन अब तक कोई बड़ी जानकारी जीतू सोनी ने पुलिस को नहीं बताई। एसपी पूर्व विजय खत्री के मुताबिक सोनी ने छोटी मोटी जानकारी तो पुलिस को बताई। जीतू सोनी के खिलाफ अलग अलग थानों में लगभग 45-46 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक हमने 6-7 थानों में जहां गंभीर मामले थे उनमें पुलिस रिमांड लेकर के जीतू सोनी से काफ़ी विस्तृत पूछताछ की है। जीतू सोनी से हमें जो दस्तावेज चाहिए थे या जानकारियां चाहिए थी, क्योंकि अपराध पंजीबद्ध के समय जीतू सोनी फरार हो गए थे, तो हमारे पास सिर्फ एक पक्षीय जानकारी थी। उस एक पक्षीय जानकारी को पूरा करने के लिए ही हमने जीतू सोनी के पुलिस रिमांड लिए हैं और उनसे पूछताछ की है। काफ़ी सारी जानकारियां जीतू सोनी से प्राप्त हुई हैं। कुछ चीज़ों में जीतू सोनी ने जानकारियां नहीं दी हैं, उसको भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। वो भी हम कोर्ट के सामने विवेचना पूर्ण होने के पश्चात रखेंगे कि किन किन जानकारियों को जीतू सोनी ने हमसे छिपाया है या हमें सही जानकारी नहीं दी है। उनकी भी तलाश निरंतर जारी है, उनके पीछे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी इसमें सभी अपराधियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर करके और विवेचना पूर्ण करके कोर्ट के सामने ट्रायल के लिए भेज दिया।